करते हैं मोदी जी का विजिट यूएई गए एक सक्सेसफुल फ्रांस के ट्रिप से। और मैं बिल्कुल बिलखसूस यहां ये कहूंगा कि तीनों जगहों पे जहां मोदी जी गए, अमेरिका आए, उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, उन्होंने जो तैयार जेट इंजन बनाने का जो था वो भारत में लेके जाएंगे उनको किया, अब फ्रांस में गए वहां भी मेक इन इंडिया को प्रमोट किया उन्होंने, वो जो वहां से राफाल तैयारे हैं वो रिलायंस के साथ बन के भारत में बनेंगे, और जो जो सबमरीन्स हैं वो पहले ही मुंबई में से बन रही हैं। और जो एक और बात, दो तीनों जगहों पे जो मुश्तरका चीज थी कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में, और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। यहाँ पे मैं ये खास करके कहना चाहूंगा दो चीजें बड़े वैलिड पॉइंट है वहां में जो मैं बड़े बिलखसूस बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट बात जो मैंने अगले दिन हमारे रणवीर साहब जो है भारत से उनकी जो मैंने उनकी वीलॉग से देखे, बड़े बड़े सुलझी भी बात करते हैं हमेशा, बड़ी मुदल्लल, बड़ी मैं समझता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव। आप सर कर्नल दानवीर को, कर्नल दानवीर की बात करूँ, कर्नल दानवीर मेरे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनकी बात ये कर रहा था कि उनके मैंने अगले दिन वीलॉग से देखा और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात बताई है जो अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर लिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट तलक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं, तो आपको अब वो आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल बात मैंने उनके वीलॉग से देखी। और इसी हवाले से जो मोदी जी वहां पे गए, वहां भी उनको प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फिर वहां मिला उनको, बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही। मैं समझता हूं कि द वे, मैं हमेशा ये कहता हूं, फिर दफा एक दफा दोहराना चाहूंगा, सबसे बड़ा तोहफा जो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने दिया है भारत को, वो नेशनलिज्म का दिया है। मैं हमेशा ये कहता हूं दुनिया में एक दफा एक रवाज चला था, लोग डेमोक्रेसी जमहूरियत से बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, चाहे वो ट्रंप साहब की थी, चाहे वो ब्रेक्सिट था, चाहे खान साहब को लाया गया, एक ये भी तजर्बा किया। देखिए सारी कैंपेन्स खत्म हो चुकी हैं लेकिन मोदी जी की सक्सेसफुल कैंपेन है। मैं हैरान हूं, ना सिर्फ भारत इस वक्त जो है वो तरक्कियों पर जा रहा है, भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है they have become very nationalist। अब मैं उस भारतीय डायस्पोरा को जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो भी मैं शायद मैंने नहीं बताया आपको कि फ्रांस के अंदर जो उन्होंने बात की है कि हमारे स्टूडेंट जो आते थे पहले 2 साल रहते थे, उनको वर्क परमिट दिया जाता था फ्रांस में, अब वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया, उससे उनको रेमिटेंस भी आएगी, भारतीय स्टूडेंट आएंगे पढ़ेंगे वहां सेट भी होंगे और भारत का इन्फ्लुएंस फ्रांस के अंदर मजीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मैं आगे बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो कराची के अंदर हुआ है, 150 साल पुराना एक मंदिर, मारी माता जो उसका नाम है, सोल्जर बाजार में, उसको डिमोलिश किया गया। और मैं आपको डॉन का रेफरेंस दूंगा, कोई ये ना कहे कि मैं शायद बायस, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने किसी इंडियन चैनल से ले ली है, ये डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है, मद्रासी हिंदू कम्युनिटी का था वो मंदिर, और मुझे उसमें से करप्शन की स्मेल आती है। तो करप्शन की स्मेल इस तरह आती है कि दो लोग, एक इमरान हाशमी है और एक रेखा नामी औरत है, एक नवीद नामी बंदे, तीन हैं, तीनों ने मिलकर वो कब्जा किया है, 70 मिलियन रुपीस में उसको बेचा गया है कमर्शियल करने के लिए। अब अफसोस जो है मुझे, अभी मैं इस पर खुद रिसर्च मजीद कर रहा हूं कि वहां पर क्या हुआ है, ये अभी इनिशियल, अभी एक दिन की पुरानी बात है, लेकिन मुझे इस चीज पर एतराज है कि वो मजहबी इबादत गाह थी, लोगों के सेंटीमेंट थे उसके साथ, हिस्टोरिक प्लेस थी 150 साल से, उसको जो भी उसकी सरकमस्टांसेस से सिचुएशन थी उसको एहतियात के साथ सारा कुछ करना चाहिए, जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी है उसको इत्माद में लेना चाहिए था, ये सिंध गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी बन गई। ये मैं मुझे इस पर अफसोस हुआ है
कि ये जो जिस तरह किया गया है लोग एहतजाज कर रहे हैं, आज भारतीय मीडिया ने भी उसको उठाया, पाकिस्तान में दूसरे मीडिया ने कवर उसको नहीं किया सिवाय डॉन के, लेकिन ये खबर जो जो फैलेगी खबर, मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इमेज पहले ही कोई अच्छा नहीं है, ये उस पर मजीद नुकसान पहुंचाएगा। ये एहतियात करनी चाहिए इन चीजों को इनका, क्योंकि मजहबी इबादत का जो है चाहे किसी किस्म, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सिनेगाग हो, मस्जिद हो, लोगों के जज्बात उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं फिर क्या अफसोस के साथ कहूं, अब उसके साथ एक और मेरे जेंस में एक अच्छी मिसाल तो नहीं है, सीमा जो गई है भारत में अपने पर्सनल, उसकी पर्सनल डिसीजन था, पर्सनल एक्शन था, इलीगल गई जैसे भी गई, हिंदू धर्म में गई वो भी उसका अपना पर्सनल डिसीजन। लेकिन अब वो मेरे जो इधर के कुछ जो हमारे पाकिस्तानी है वो कहते हैं हम हिंदू कम्युनिटी के पीछे जाएंगे, हम ये कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है भाई उसमें? मुझे बताया जाए, कन्विंस किया जाए कि सीमा के एक्शन का हिंदू कम्युनिटी सिंध में जो रहती है उसके साथ उनका क्या कनेक्शन? उसका पर्सनल डिसीजन है, यहाँ कम्युनिटी है वो बैठी, पहले ही वो मुजालम का शिकार है, पहले ही कमजोर है। मैं बल्कि यहां रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खुदारा, ये हर पाकिस्तानी की मॉरल और मजहबी ऑब्लिगेशन है उसकी मजहबी, अगर इस्लाम को समझने की कोशिश की जाए तो उन लोगों का ख्याल रखना आपकी इखलाकी और मजहबी ड्यूटी है, तो कोशिश की जाए कि उनको ना नुकसान, उनके जज्बात, उनके भी जज्बात हैं, 1947 में जो मजालम हुए हैं उनको दोबारा रिपीट ना करें खुदारा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैं बिल्कुल इस चीज पे इतराज करूंगा कि किसी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिंध हुकूमत से, खासकर मुराद अली शाह साहब से, कि मद्रासी हिंदू कम्युनिटी को बिठाकर उनका एतमाद रिस्टोर किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू सेटल हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इसको इसको उसके तदारक किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसकी अपनी हालत में रिस्टोर किया जाए। ये मैं चाहूंगा, उसकी वजह ये है कि हमारा पहले ही इमेज ठीक नहीं है, कोशिश करें ऐसी चीजों के अंदर एहतियात बरतना करें। अगर ऐसी चीज भारत में हो तो फिर आपका टीवी, आपका मीडिया किस तरह चीखता है कि मस्जिद का ये कर दिया, मस्जिद का वो कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि उसका जो डॉन ने रिपोर्ट किया है कि इसको कमर्शलाइज करके 70 मिलियन रुपीज में बेचा गया है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी थी, देखा जाए ये मतरूका अमलाक जो थी ये उनका हिस्सा होना चाहिए, ये आपका जो वो घमंड को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इबादत का है ये कोई एक ऑर्डिनरी किसी का घर नहीं था, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, मंदिर था वो, लोग 150 साल से जा रहे हैं और अदालतों में अगर प्रूव किया जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल, इसके ये इतना आसान काम नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मद्रास, एक तो मुराद अली शाह साहब के वो जाक इसको एहतियात से ले, और दूसरा अगर मद्रासी हिंदू कम्युनिटी सेटिस्फाइड नहीं होती उनको चाहिए सिंध हाईकोर्ट के अंदर अपील अपनी दायर करें जाके कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, कमीशन बनाया जाए, रिसर्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाए, इमरान हाशमी साहब और रेखा और नवीद जो है जिन लोगों ने ये एक मेल फंक्शन किया है, एक ज्यादती की है, मेरे ख्याल में मैं इसको कंडेम करूंगा। अब तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा, खास साहब का इंटरव्यू है, टिम सेबेस्टियन है DW, मैं समझता हूँ वो हीरो है उन पाकिस्तानियों के जो इंग्लिश समझते हैं। खान साहब ने वो कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकल के खेला, उन्हें पता था कि मेरे जो मुरीदैन है यहाँ पाकिस्तान में उनको तो इंग्लिश आती नहीं है, वो तो सारे उर्दू में लौंडे का पाड़े तो टिकटॉक सारा दिन और ट्वीट करते हैं उर्दू में, उन्होंने कहा जो मर्जी कह लो। उन्होंने एड्रेस किया है सिर्फ, जिस तरह अगले दिन फॉक्स के ऊपर भी उन्होंने ब्लंडर मारे और यहां भी उन्होंने ब्लंडर मारे। मेरा ख्याल है मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा अगर थोड़ी सी अकल कराए तो उसको गूगल से ट्रांसलेट करके अपने मुर्शिद का थोड़ा सा असली चेहरा भी देख ले। उसने क्वेश्चन किए जो मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा जी आप आर्मी के खिलाफ हैं, लेकिन जब आर्मी आपके साथ थी आप वन पेज की स्टोरी थी उसके बारे में क्या ख्याल? फिर उन्होंने कहा है कि आप एक रेडिकल ताहिरुल कादरी के साथ निकल के जब आप धरने में बैठे थे 3 आदमी वहां मर गए थे उसके बारे में क्या ख्याल? फिर उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शनों को आपने डिनाय किया था और आपने कहा था कि मैं नवाज शरीफ के घर में घुस जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये जमहूरियत। फिर उन्होंने कहा कि आप असेंबलियों से निकल गए रिजाइन देके, ये जमहूरी इख्तियार थी। खान साहब उस 25 मिनट के अंदर खान साहब का एक भी जवाब जो है वो ठीक नहीं था, एक भी ठीक, सवाल गंदम जवाब चने देते रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी सवाल ये किया
कि आपने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया, आप उनके तालिबान के सिंपथाइजर हैं। आज जो अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की हालत है, जहां पर जुल्म कर रहे हैं, वो कोड़े मार रहे हैं खवातीन को, उसके बारे में क्या ख्याल है? खास समझो आप, वो DW का इंटरव्यू टिम सेबेस्टियन का आई ओपनर है, लेकिन अफसोस के साथ है कि वो देखें खान साहब का अपना डबल स्टैंडर्ड क्या है। किसी उर्दू चैनल पे बैठेंगे तो अय्या का नाम दुबई अफगानिस्तान, इस जिंदगी से बहुत अच्छी है, हकीकी आजादी के लिए लिख लो, गोलियां खाओ, जेल भर दो, लेकिन जब इंग्लिश पे आते हैं तो साथ ही अपनी सीढ़ी का दूसरी साइड लगा देते हैं, इंग्लिश साइड, कहते हैं उसामा बिन लादेन बहुत जालिम आदमी था, उन्होंने बॉक्स पे कहा कि दहशत था, इधर आते हैं तो कहते हैं कि वो शहीद है, यहाँ तो शहीद बता रहे थे बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहते हैं जी अफगानिस्तान के ऊपर फिल्म को कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि पहली दफा किसी वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने जस्टिफाई किया इस इंटरव्यू को, और जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो काफी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि मेरे जो भाई जो है जिनको बाय डिजाइन अनपढ़ रखा जाता है, जिनको कहा जाता है कि वो भाई इंग्लिश आपकी जबान बात नहीं है, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा आरजू, यहाँ पे ऐसे भी लोग थे हमारे मोमिनीन जो जब गोरा यहाँ से गया 1947 में, या गोरा था, कहते थे इंग्लिश पढ़ना कुफर है, लाउड स्पीकर कुफर है, चांद पे जाना जो है वो ये सारा झूठ बोल, तो मौलवी कहते थे ना ये लाउड स्पीकर वगैरह को, आज सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये है, आज भी इसी तरह है मौलवियों के डबल स्टैंडर्ड, अब मौलवी आगे हैं ऑक्सफोर्ड के पढ़े, वो अब अपना चूरन बेच रहे हैं, काला बकरा रेवोल्यूशन आने वाला है पाकिस्तान में। मुझे अगले दिन किसी ने कहा भाई हमने तो भाई मेरे दोस्त थे यहाँ वॉशिंगटन DC में, कोई भारतीय दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई हम तो सैटेलाइट भेज दिया है चांद पे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हमें सैटेलाइट चाहिए ही नहीं, हम तो सैटेलाइट हम क्या करें, हम तो काले जादू से चलाएंगे सारा कुछ, हमारे पास वो ऐसी चीजें मौजूद है जो भारत कभी सोच भी नहीं सकता। कभी आपने देखा कि दुनिया की एटॉमिक पावर जो है वो काले जादू पे चले, वो बकरों पे चले, काले बकरे, सोचें इस तरह के मिरेकल कभी देखें कभी आपने 21st century, इस सेंचुरी के अंदर, जबकि लोग अगले दिन मैं हैरान था यहां अमेरिका के अंदर आरजू किस, उन्होंने मां के पेट के अंदर जो फीटस था उसकी सर्जरी कर दी है उसके दिमाग की, लेकिन दूसरी साइड पे देखें कि काला जादू सब चढ़ के बोल रहा है, बताएंगे क्या बंगाली बाबे फिर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन फिर रहे हैं, और सारा पाकिस्तान 25 करोड़ में से 20 करोड़ बेवकूफ बन के फिर रहे हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े अख्तियार मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, कोलंबिया से पढ़े हैं, एचिसन से पढ़े हैं, दर हकीकत एक फैशन है आरजू, मैं लास्ट इस पे बात करना चाहूंगा, एक ऐसा ये ऐसा मजहबी कल्ट बन चुका है, ये फिरका है, बाप करप्ट तरीन होगा लेकिन उसकी बीवी और बच्चे इसके सिंपथाइजर होंगे, और उनके जेहन में ये होगा कि इसको सपोर्ट करने से सारी रिश्वत हलाल हो जाएगी, हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये देखें कैसा ये कल्ट है, कैसा कल्ट है। तो सर ये तो हमारे यहाँ वो मलिक रियाज भी करता है ना, लोगों की जमीनों पे कब्जे करना, लोगों को मार देना, उसके बाद बस एक वो लंगर खोल दिया है और दस्तरखान के नाम से लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो शायद वो सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है इनसे भी कुछ हो तो नहीं पा रहा, इन्होंने पैसे तो ले लिए यहाँ वहां से, लेकिन अभी आगे करेंगे क्या? बिजली के जो बिल हैं वो भी बढ़ने जा रहे हैं और बाकी चीजें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, कई लोगों ने वो जो उधार ऐप होती है मोबाइल में कोई उससे पैसे लिए और कई केसेस वो भी सामने आए, तो अब लोग किस तरह से जिएंगे, इसलिए कि चीजें तो और महंगी होती चली जा रही है। आरजू हर पाकिस्तानी, मैं दुख के साथ ये कहूंगा, हर पाकिस्तानी को हर चीज का पता है कि हमें कौन लूट रहा है, हमें चला कौन रहा है, हमें हांक कौन रहा है, सब पता है उनको, क्योंकि हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, सारा दिन ये कारोबार है लोगों का। ये आपके देखिए आपके टीवी चैनल्स के ऊपर कभी कोई बच्चों का प्रोग्राम आपने देखा है, कोई मौसीकी का प्रोग्राम देखा है? सारा दिन मुर्गों की लड़ाइयां होती है, वो करते क्या है? एक दूसरे के हालात बताते हैं। आपका हर पाकिस्तानी इज वेल एजुकेटेड अबाउट द करप्शन। आप मुझे यह बताएं, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बता दे जो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी को के लिए काम कर रहा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्शन में इन्वॉल्व है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई एक ऐसी अदालत बता दें जिसपे लोगों का एतमाद हो, तो फिर उसके बाद देखें, जब सारा कुछ ये होगा
तो फिर कौन करेगा? वो कहते हैं ना, कौन इस वक्त अगर देखा जाए किसी इंसान के पास जो पावर में है, पाकिस्तान की मुसीबतों का हल उसके पास मौजूद नहीं है। हाँ, कर क्या रहे हैं? वो जो पैसे की बात कर रहे हैं आप, आ वो आधे 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 तो जा चुके होंगे, आधे से ज्यादा तो वो पहुंच चुके होंगे लंदन दुबई वगैरह, यहां से लेते हैं। असल में ये लेते हैं, लाते ही नहीं वहां से, ये वहीं से पैसे लेते हैं, वहीं अपने अकाउंटों में जमा करा लेते हैं। यही तो वैस की लॉटरी निकली हुई है, यही तो IMF वालों की लॉटरी निकली हुई है। वो यहां से पैसा लेते हैं, यही रह जाता है, पाकिस्तान तो पहुंचते ही नहीं। लेकिन क्या करें, बस यही दुख है उसमें। लेकिन है पाकिस्तानी सारे, कहने को पाकिस्तानी है, लेकिन काश के कोई आपको असली ओरिजिनल पाकिस्तानी कहीं से को मिल जाए, अभी तक मुझे तो नहीं मिला। सर ये पैसा लेने के लिए तो हर काफिर कंट्री में पहुंच जाते हैं, अभी तक बहुत कम कोई इस्लामिक कंट्री है जिन्होंने पैसे दिए हैं, या तो ये IMF के पास होते हैं या चाइना के पास होते हैं, यूरोप वगैरह में यहाँ वहां मांग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का जीना आराम किया हुआ है, वो जो अहमदियाज हैं उनकी कंपनी है शेजान, आपको शायद नाम पता होगा, उसके पीछे पड़ गए जी। इनकी कंपनी के कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल ना हो, दुकानों में लोग नहीं रख सकते ना वो बेच सकते हैं, मतलब ये चाहते क्या है? अजीब किस्म का इन्होंने माहौल बना के रखा है यहाँ पर पाकिस्तान में खास तौर पे। लेकिन आरजू ये आज का प्रॉब्लम थोड़ी 76 साल से ऐसे, बल्कि उससे पहले भी कर ले, जब यहाँ पे इस्लाम आया है, आपके यहाँ पे जब इस्लाम लाया गया है यहाँ पे, आपको मेरा मत जिस तरीके से आपको कन्वर्ट किया गया है, आपको मुख्तलिफ आपको उन्होंने